बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। व्यूअर्स, मैं हूं आपको होस्ट मुदस्सिर खान एंड आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है मेहदी भाई का घर। ये बड़ा बेहतरीन सा सेटअप यहाँ पे बनाया गया और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने आया हूँ। ये देखें, ये ग्रासी लान बनाया गया, घास अभी बस लगाया गया है कुछ दिन पहले ही, तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कैसे हरा हरा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ पौधे भी लगाए गए हैं, ये मैं आपको दिखाऊँगा एक एक करके। ये है जनाब अमरूद का पौधा, और इसके साथ ये है कुछ माल्टे के पौधे भी लगाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़र आएगा जब ये घास बड़ा हो जाएगा और फिल आउट हो जाएगा सारी जगह पे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे मिलेगा हमें। और इस जगह पे कुछ गुलाब के फूल भी लगाए गए हैं, एक मेरे ख्याल में वाइट कलर का है, ये देखिए ख्याल में। और ये देखें, ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रासी लान, और इसकी घर के लुक में मज़ीद जी चार चांद लगा देगा। और यहाँ पे भी हैं दरख्त, और यहाँ पे मैं आपको ये माल्टे का पौधा है, और यहाँ पे साथ ही ये है जी मिर्च का पौधा, हरी मिर्च। ये देखें कैसे प्यारे प्यारे पौधे हैं। और ये है घी तोरी की बेल, और ये इसके साथ लगी हुई है जनाब अंगूर की बेल। इसके साथ जब ये इसने बड़ा होना है तो कोई ना कोई सपोर्ट हमें ज़रूर इसके साथ, इसको मतलब कि किसी सपोर्ट के साथ इसको एडजस्ट करना अच्छा ये होता है कि ये दीवार के साथ होती, इस दीवार के साथ या उस दीवार के साथ। ये बेल लगाएगी ये माशाल्लाह से, जहाँ पे सब्जियां भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। ये हमें मिल गया टमाटर का पौधा, और व्यू आप यहां से चेक करें, था जी मेहदी भाई के घर का कंप्लीट सेटअप। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। अभी मैं आ गया हूँ बार्बर शॉप पे, यहाँ से हमने करवानी है कटिंग और उसके बाद चलते हैं घर। जी तो व्यूअर्स, टाइम हो चुका है 1 बजे का और मैं लगा हूँ सोने। जब मैं उठता हूँ फ्रेश होता हूँ तो फिर मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स, ये है अंगूर की बेल, ये हमारे घर में लगी हुई है तकरीबन 3-4 साल से, और ये छोटे छोटे गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अंगूर अभी लगे हुए हैं छोटे छोटे। और इनकी अलग बात ये है कि मार्केट में जो नॉर्मल रूटीन में अंगूर सेल हो रहे होते हैं उनका कलर ट्रांसपेरेंट कलर होता है, इनका कलर जामुनी होता है, और बहुत ही मज़े के अंगूर होते हैं जी माशाल्लाह। इस जगह पे सारा रोड़ा मैंने डाल दिया और इसकी कुटाई भी इसके साथ मैंने तकरीबन कर दी है। थोड़ी सी जगह है कुटाई करने वाली बाकी, उसके बाद जैसे ये फर्श यहाँ पे लगा हुआ है इतने तक यहाँ पे हम ये वाला फर्श लगा देंगे। यहाँ पे पौधा है लगा हुआ, उसकी वजह से ये जगह हमें छोड़नी पड़ेगी। ये है जी हमाद भाई के घर का कंप्लीट सेटअप, मिस्त्री मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे
बनाया गया और तकरीबन 2-3 दिन तक छतों का सामान भी आ जाएगा, उसके बाद छतें डाल दी जाएंगी। माशाल्लाह। जी तो वीवर, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है और मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट मुदस्सर ख़ान को दीजिए ज़्यादा दुआ में, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, ये जो वीलॉग था एक शॉर्ट सा वीलॉग था, क्योंकि बहुत सारे अरसे के बाद ये मैंने वीलॉग बनाए, तो आइंदा इंशाल्लाह रूटीन वाइज वीलॉग आते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।